इलस्ट्रेशन नंबर 25 है, परचेज फर्नीचर वर्थ 20,000 एंड टूल्स वर्थ 5,000। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देख सकते हो आप। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है, ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक 5,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। ओके, नेक्स्ट बैंक्ड कैश सेंड टू बैंक 1,00,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैश। ओके, जस्ट सी दिस। ओके, नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 40,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू बैंक अकाउंट 40,000 एंड कैश अकाउंट डेबिट। बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड फॉर 50,000 एंड ब्रोकेज पेड एट द रेट 2%। ऑल द पेमेंट इज मेड बाय चेक। ओके, चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट तो ऑब्वियसली इफेक्ट हुआ ही होगा। सो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है किसमें, कॉलेज शेयर्स में, कोलगेट लिमिटेड में कोलगेट लिमिटेड में 50,000 रुपीज, और उसका ब्रोकरेज पे किया है तो उसमें हम 2% और जोड़ेंगे तो 51,000 टू बैंक अकाउंट 51,000। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज पोस्टेज। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पे टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस। अब रेजिडेंशियल हाउस है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ड्राइंग्स हो गई। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट। ठीक, चलिए देख लेते हैं एक बार, इसकी भी देख लिया है आपने। चलिए अब पीछे चलते हैं ऑफिस से। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सैलरीज अनपेड 15,000 एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। तो सैलरी अनपेड है, ठीक है, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी हमें पैसा देना है पर अभी तक हमने नहीं दिया है। रेंट भी सिमिलरली, तो इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें अलग अलग करके दिया हुआ है, आप साथ में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास एंट्री जो है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार करवाया है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी करवाया था एंड इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी करवाया था। तो इसकी एंट्री मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैपिटल अकाउंट 16,000। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।